गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, दिस इज पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो भाई मैं किसी गांव में नहीं आया हूँ, मैं बस जस्ट अपने घर के ऑपोजिट वाली रोड पर आया हूँ बिकॉज यहाँ पर भी है प्लॉट। तो आज इस पूरे एपिसोड के अंदर आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स। तो ये एक्चुअली में चार सेक्टर्स में डिवाइडेड है, सेक्टर 2, 3 और 4। ये तीनों जो सेक्टर हैं वो एक साथ ही हैं और इन सेक्टर के अंदर जो घर बनने का जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है बिकॉज पेनल्टी शुरू हो चुकी है उन सेक्टर्स में। पीछे वाला ये जो सेक्टर है ये है सेक्टर 16B और ये मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट ही पड़ता है। सो यहाँ पर जो डिफरेंस है प्लॉट्स के अंदर वो ये मोटा मोटा मेन डिफरेंस ये है कि ये आबादी लैंड है, मतलब जिन लोगों ने नोएडा एक्सटेंशन के लिए अपनी ज़मीन दी थी उनको मुआवजे के रूप में कुछ ज़मीन वापस मिली थी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो पूरे खंबे का तो काम हो चुका है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं वो हो चुका है, लेकिन सड़क नहीं बनी है, मतलब बीच में जो डिमार्केशन होती है वो नहीं हुई है। सो ये यहाँ पर पूरे सारे अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, पीछे तक जहाँ जहाँ तक आप नज़र देख पाएँ तो ये पूरा ओपन एरिया है। सो आसपास का आप नज़ारा देख लीजिए, ये पूरा जो पीछे का सेक्शन है ये सारा फैक्ट्री वाला है। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ के वेयर हाउस भी हैं और फैक्ट्रीज भी हैं, जैसे गौर का है, सुपरटेक का है, सुपर कास्ट है और इसके जस्ट ऑपोजिट ये पूरा सेक्टर 16B पड़ जाता है। सो यहाँ पर वैभव हेरिटेज हाइट और आगे की तरफ अजनारा ले गार्डन, सुपरटेक इको विलेज 3, तो ये सारे प्रोजेक्ट पड़ जाते हैं। यहाँ तक आपको अगर पहुँचना हो तो बहुत ही सिंपल है, एक मूर्ति गोल चक्कर से आपको लेफ्ट लेना और उसके बाद यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ये रेट कम है एज़ कम्पेयर टू सेक्टर 2, 3 एंड 4 बिकॉज ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पर छोटे प्लॉट्स भी हैं, मतलब 100 गज के भी प्लॉट्स हैं और जिस जगह पर मैं अभी खड़ा होकर ये शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने पहले तक जब सिचुएशन पूरी नॉर्मल थी तो इसी जगह पर टेंट लगाकर बहुत सारे डीलर बैठा करते थे। सो उन्हीं से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली थी। आई हैव नो आइडिया आप इन प्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन किसी पोर्टल पे ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने अपना मास्क इसलिए उतार दिया बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है एंड आज का जो वेदर है ये भी बहुत अच्छा हो रखा है। निकलने से पहले जब मैं घर से निकला था उस समय बिल्कुल धूप हो रखी थी, तीखी धूप हो रखी थी, लेकिन जैसे ही मैं सोसाइटी से बाहर तक यहाँ तक आया बहुत तेज़ बारिश हुई, 5 या 10 मिनट की बारिश हुई थी, लेकिन बहुत सही हो गया उसके बाद वेदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस अब यहाँ से चलते हैं दूसरी लोकेशन पर जो है सेक्टर 2, 3 और 4। सो 2, 3 और 4 ये पूरे जो तीनों सेक्टर हैं ये एक साथ ही है। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं इसके लिए मैं आपको 2 लैंडमार्क बता सकता हूँ। अगर आप 4 मूर्ति से राइट ले लेते हैं, राइट लेने के बाद जब आप पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं जहां पर राइट हैंड साइड पे सुपरटेक इको विलेज 1 है, सो उसके जस्ट ऑपोजिट मतलब जहां पर निराला ग्रीन शायर है, सो वहां से सेक्टर 2, 3 और 4 शुरू हो जाता है और जितने जो प्लॉट्स हैं वो वहां से लेकर एस सिटी का जो गोल चक्कर है उसके ऑपोजिट, मतलब जितना वो ओपन सेक्टर है वो सारा प्लॉटिंग वाला एरिया है। ये पैरेलल चलता है 130 मीटर रोड पर, सो 130 मीटर रोड में ये बिल्कुल उसी के पैरेलल चल रहा है, इरोस संपूर्णम से ये चलता है और उसके बाद चौथे गोल चक्कर तक, मतलब जहाँ पर महागुण मंत्रा शुरू होता है वहाँ तक पूरा ये प्लॉट्स वाला सेक्शन है। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं प्लॉट्स को लेकर वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्लॉट्स को लेकर वीडियो नहीं बनाई है। ये वाली वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, सो That's the only reason. अभी राइट हैंड साइड पे ये पूरी जो इंटरनल रोड है ये पूरी निराला ग्रीन शायर वैली रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर पत्थर है बस। तो कैमरा शेक हो रहा है लेकिन कैमरा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है स्टेबलाइज करने की, लेकिन सड़क की लापरवाही की वजह से आपको जो वीडियो है वो थोड़ी अनइंटरप्टेड दिख रही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात का टाइम ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये हाल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने पहले भी ऐसा ही था बिकॉज जब मैंने निराला ग्रीन शायर कवर करा था तो ये सड़क उस टाइम पे भी ऐसी थी, ये आज की सड़क नहीं है, ये बहुत पुरानी सड़क है। इसके बाद राइट हैंड साइड पर निकल गया एक माता का मंदिर
और इस वीडियो के अंदर आज आप जितने भी प्लॉट्स देखेंगे ये एक्चुअली अथॉरिटी के काटे हुए प्लॉट्स हैं, और अगर देखा जाए तो इस समय यहाँ पर मेजॉरिटी सेक्टर्स में आपको कंस्ट्रक्शन होती भी दिखेगी, बिकॉज अथॉरिटी के जब भी प्लॉट्स काटे जाते हैं इनको डेवलपमेंट पर्पस के लिए पब्लिक को दिया जाता है, ताकि 5 या 6 साल के अंदर वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए। और जैसे ही अपना ये डेवलपमेंट पीरियड या फिर जो इनिशियल पीरियड होता है, मतलब 5 या 6 साल, हर सेक्टर में जहाँ पर भी प्लॉट्स कटते हैं सभी अथॉरिटी डेवलपमेंट के लिए एक टाइम देती है। जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती है या फिर डेवलपमेंट नहीं होती है, तब वहाँ पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। सो अब ये पूरा जो सेक्टर है इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मशरूम की तरह हर 2 या 3 महीने के अंदर आपको एक नया फ्लोर दिख जाएगा। और इसका एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब ये डेवलपमेंट होनी यहाँ पर आपको, सो इसी की वजह से आप यहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट है वो होती भी दिखेगी, और हर 2 या 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर एक नया घर देखने को मिल जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं निराला ग्रीन शायर को निकले हुए भी ऑलमोस्ट 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी जो सड़क है वो गड्ढों से भरी हुई है, इनफैक्ट गड्ढों में ही सड़क है, सड़क तो दिख ही नहीं रही है। ये बिल्कुल लास्ट में जो आप सोसाइटी देख रहे हैं वो है इरोस संपूर्णम। सो ये पूरा अभी इंटरनल सेक्टर रोड ही चल रही है। ये सेक्टर 2, 3 और 4 कहलाता है, और इसके अंदर जो मिनिमम प्लॉट साइज है दैट्स 140 स्क्वायर यार्ड, और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्लॉट साइज है आई गेस दैट्स 240 स्क्वायर यार्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल पहले एक्सप्लोर करी थी, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स यहाँ पर सेक्टर में प्लॉट ढूंढ रहे थे, बट यही रीज़न है यहाँ से हम ऑप्ट आउट कर गए, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर में घर तो बनने शुरू हो गए लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे सड़क हो गई, पानी हो गया, इन सारी तकलीफ़ों की वजह से हमने यहाँ से बैकआउट कर लिया था। अभी यहाँ पर क्या है कि पेनल्टी से बचने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दी है, आगे उन्होंने कुछ नहीं बनाया है। ये था पूरा सेक्टर 2, 3 और 4। सो इन सेक्टर की, और अगर आप प्लॉट में इच्छुक हैं तो द बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज प्लॉट्स आर विजिटिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी पोर्टल वेबसाइट, जैसे 99acre हो गया और उसके बाद मैजिक ब्रिक या फिर housing.com। सो अगर आप इन साइट्स पर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन प्लॉट से रिलेटेड। मोस्टली प्लॉट्स ऐसे होंगे जो डीलर ने लिस्ट कर रखे हैं, सो आपको डीलर से बचना है, बिकॉज उनसे अगर आप प्लॉट लेते हैं तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस समय आई एम मेकिंग अ वेरी डेंजरस अटेम्प्ट, मेरे बिल्कुल नीचे सिर्फ मिट्टी को दबाकर एक नाले के ऊपर से सड़क निकाली गई है जिससे मैं ये सड़क क्रॉस कर पाया। एक डेंजरस अटेम्प्ट था बट ले लिया मैंने, बिकॉज मेरे से आगे वाली जो गाड़ी थी वो निकल गई, तो मैंने सोचा कि वो निकल सकती है तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। ये पूरा जो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे खाली जो लैंड देख रहे हैं, ये पूरा एजुकेशनल जोन आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पर पूरे स्कूल ही स्कूल हैं। पीछे की तरफ सर्वोत्तम इंटरनेशनल है, आगे की तरफ है पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल, रायन इंटरनेशनल, ये एक नया स्कूल है जो बना है। मेरे ख्याल से शायद ये JM इंटरनेशनल है, या दैट्स राइट, JM इंटरनेशनल स्कूल। अभी आज कल में आप देखते होंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो ट्विटर हैंडल है उस पे डेली वो फोटोज डालते हैं कि हमने आज ये वाली सड़क बना दी, आज हमने ये वाली सड़क बना दी। सो ये एक रेफरिंग पॉइंट है अगर आप रेफर करना चाहें, अगर आप इन सेक्टर्स में रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर आप उन्हें भेज सकते हैं, या फिर इनफैक्ट पूरा वीडियो भी टैग कर सकते हैं जिसमें दिख जाएगी करंट यहाँ पर जो सड़कों का हाल है।
आई हैव नो आइडिया कि अथॉरिटी इन सारी चीज़ों को इग्नोर क्यों करती रहती है, बिकॉज ये एक बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है। ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल पहले मैंने भी अथॉरिटी के वहाँ पर जो 2, 3 और 4 सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं इनको सर्च करा था। इनफैक्ट बहुत सारे प्लॉट्स तो ऐसे थे जो मेरे को काफ़ी अच्छे भी लगे थे, बट द ओनली रीज़न वाई वी डेंट गो फॉर प्लॉट्स इन दिस सेक्टर वॉज बिकॉज ऑलमोस्ट 2 या 1.5 साल पहले वहाँ पर कनेक्टिविटी एक मेजर इशू था, बिकॉज बीच की जो सड़कें थी वो ऑलमोस्ट कच्ची थी। उसके बाद वहाँ पर मोस्टली जो प्लॉट्स थे वो खाली थे, तो सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न था। लेकिन अगर देखा जाए तो उस चीज़ में आज भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। आपने देखा कि वहाँ पर जो मोस्टली प्लॉट्स हैं वो अभी बन ही रहे हैं और सड़क जो एक बेसिक चीज़ है वो वहाँ पर बिल्कुल गायब है। सो आपने देखा वहाँ पर जो गड्ढे हैं उन्हीं के अंदर सड़क है जो बची हुई है, मतलब किसी टाइम पे बनी होगी जब सेक्टर की डेवलपमेंट हुई होगी, लेकिन आज की डेट में आपने पूरा सेक्टर देख लिया, मेजॉरिटी जो सड़क है वो टूटी हुई है। सो यही रीज़न था वहाँ से हमने अपना जो प्लॉटिंग वाला जो डिसीजन था उसको पीछे खींच लिया। ये थे पूरे अथॉरिटी के प्लॉट सेक्टर 2, 3, 4 और 16B के अंदर। सो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो यहाँ के लोकल डेवलपर हैं या लोकल कॉलोनाइज़र है वो काट रहे हैं, बट आई डोंट रेकमेंड दोज प्लॉट्स बिकॉज यूपी जिस चीज़ के लिए फेमस है यहाँ पर वही चीज़ होती है। बहुत सारे जेन्युइन भी हैं बट बहुत सारी रिसर्च आपको करनी पड़ती है। सो अगर आप इन प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपनी ड्यू डिलिजेंस के बाद ही यहाँ पर पैसा लगाना। बेशक आप किसी डायरेक्ट पार्टी से लें या फिर ब्रोकर के थ्रू लें, लेकिन ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लेना। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। सो जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा, आपने अगर नोटिस किया हो तो जब मैं आपको सेक्टर 1 दिखा रहा था उस समय मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी डिफरेंट वाली, और आज मैंने एक डिफरेंट टी शर्ट पहनी है। सो एक्चुअली हुआ क्या कि जिस दिन मैंने आपको सेक्टर 1 का पूरा टूर कराया उसके बाद वापस आते आते मैंने सोचा क्यों ना प्लॉट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना ली जाए, बिकॉज मैं वहीं पर था। सो मैंने जब पूरा 2, 3 और 4 सेक्टर कंप्लीट करके घर आ रहा था वापस, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार एक सेक्टर तो और है जो अपने घर के आसपास ही है, लेकिन वो छूट गया। लेकिन तब तक जो हीट इंडिकेशन वार्निंग थी वो दोबारा आ गई थी, तो वही शूट करने में आज आया हूँ। सो गाइस फोकस फोकस, नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, ख़ास तौर से प्लॉटिंग और यूपी के अंदर।